आईटीवी ट्राइसिटी न्यूज की ओर से जो हम नया कार्यक्रम लेके आए हैं, मैं सेवक श्री राम का, ये कार्यक्रम बनाने का हमारा क्या कारण है, वो यही है कि कोविड-19 के कारण शायद इस बार आप लोगों को रामलीला देखने का मौका ना मिले। इसलिए हम अपने आईटीवी ट्राइसिटी न्यूज के स्टूडियो में किसी ना किसी रामला के कलाकार को आपके रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ प्रदीप कुमार जी, जो गढ़वाल रामला मंडल बिजली बोर्ड सेक्टर 28 चंडीगढ़ के, जो वहाँ पे कई किरदार करते हैं। प्रदीप कुमार जी आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, हम आपके रूबरू कराते हैं। देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम मैं सेवक श्री राम का। प्रदीप कुमार जी, आप हमारे आईटीवी ट्राइसिटी न्यूज के स्टूडियो में पहुंचे हैं, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। प्रदीप कुमार जी, आप का जन्म कहाँ का है? मेरा जन्म भाई साहब उत्तर प्रदेश कैराना जिला मुजफ्फरनगर का है। क्या बात है। 1959 में मेरा जन्म हुआ था और हमारा परिवार जो है वहीं से रामलीला से जुड़ा हुआ था। क्या बात है। अच्छा। मेरे फादर साहब थे जो सारी खुद ही लिख के कलाकारों को दिया करते थे पात उनके, ताकि वो याद करके रामलीला बड़े अच्छे से करें। क्या बात है। हमारे यहाँ एक ही रामलीला होती थी, फ्रेंड्स ड्रामेटिक क्लब के नाम से। कहाँ पे? कैराने में। अच्छा, और आज भी वही होती है। क्या बात है, बहुत पुरानी रामला। हाँ जी, बहुत पक्का हमारा गौशाला है वहाँ पे। ठीक है। उसमें बहुत अच्छा स्टेज, हर तरह की फैसिलिटी का इंतजाम किया हुआ है। गेट बंद हो जाता है जब पब्लिक पूरी हो जाती है। अच्छा। और लेडीज के अलग ऊपर बालकोनी है बनाई हुई। ठीक है। उसमें बैठती है, नीचे जेंट्स बैठते हैं। तो चंडीगढ़ में आप कैसे पहुंचे? चंडीगढ़ में मैं 1974 में आया था। एक बात काट दें कि जब वहाँ पे रामला होती थी तो आपके पिताजी वहाँ रामला करते थे? जी, मेरे पिताजी वहाँ पे डायरेक्टर थे और मेरे बड़े भाई साहब वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा, तो आपके पिताजी भी कोई रोल करते थे वहाँ पे? हाँ जी, वो दशरथ का करते थे और हनुमान का करते थे। क्या बात। बहुत पसंद था उनको। अच्छा। हाँ। तो आप चंडीगढ़ में कैसे पहुंचे? मैं चंडीगढ़ में बस ऐसे ही घूमने आया था, उसके बाद मेरा मन नहीं गया, लगा यहाँ पे लग गया, जाने को मन नहीं किया। फिर मेरे यहाँ पे सिस्टर रहते थे, मैं उन्हीं के पास रुक गया। तो आप गवर्नमेंट जॉब करते थे ना बिजली बोर्ड में? हाँ जी। तो वो जॉब आपने यहीं से शुरू की, वहाँ से की थी आपने? नहीं, पहले तो मैं यहाँ पे आके प्राइवेट काम करता था। अच्छा। तब तो मेरी उम्र सारी ही 14 साल की थी जब मैं यहाँ आ गया था। तो प्राइवेट में 19 सेक्टर में सुंदर स्टोर है, यहाँ 22 में भी इंदिरा इंटरप्राइजेज होते थे, उनके पास भी काम किया मैंने, बस अड्डे के सामने। ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया में भी किया, राजन वशिष्ठ के पास। ठीक है। उसके बाद 14 साल मैंने जो है प्राइवेट काम किया, उसके बाद यहीं से मैंने पढ़ाई की। अच्छा। और यहीं पे फिर मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। रामलीला के साथ कैसे जुड़े आप? रामलीला के साथ शुरू से ही लगाव था। ठीक है। 4 साल का था तब से ही मैं रामलीला में पाठ करता था गांव में अपने। गांव में। अच्छा, कौन सा पाठ करते थे वहाँ? मैं तब तो सेना में ही भर्ती हुआ करूँ था, ज्यादातर मेरे को हनुमान जी की सेना का बड़ा शौक था। क्या बात है। तो उसमें बस सूर्य, तब तो हम जाके, वो टाइम था पहले 4 बजे जाके वहाँ पे दरिये वगैरह बिछाया करते थे भी, ताकि, और हम तो, मैं तो पिताजी के साथ ही 4-5 बजे साथ ही चला जाता था रामलीला में। अच्छा। और रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक घर आते थे। क्या बात। तो आपने चंडीगढ़ में जब रामलीला शुरू की तो आपने कौन सा रोल पहले बार किया? सबसे पहले जो मैं रोल किया था वो जनक महाराज के दरबार में जो धनुष तोड़ने का होता था, सीता स्वयंवर था, उसमें राजा बना था मैं सबसे पहले, मेरे को याद है। यानी कि आपने पहली बार जब रोल किया चंडीगढ़ में, सीता स्वयंवर में आपने राजा का रोल किया था। जी जी। तो उसके बाद फिर कौन सा रोल किया आपने? उसके बाद तो बस मेरे को अगले साल से ही ऐसा हो गया, तभी कोई भी रोल दे देते थे मैं वही करता था। ऑलराउंडर, विश्वामित्र का, वाल्मीकि का, और उसमें क्या, और नाटक में जो इसमें अपना प्रहलाद वाला होता है लव कुश वाले में। ठीक ठीक है। उसके बाद मैंने गांव में तो सीता का भी किया। क्या बात है। वो सीता का रोल मेरे को आज भी याद है, 1972 में मैंने किया था चंडीगढ़ आने से 2 साल पहले। ठीक है। और वो हमारे यहाँ एक रामलीला होती है छपरौली के अंदर। ठीक है। वहाँ मेरे से बड़े भाई जो थे अमरीश कुमार जी, वो राम बनते थे, 24-25 साल उन्होंने राम का रोल वहाँ पे क्या किया। बात है। और मैंने उनके साथ सीता का किया था, मेरे पास फोटो भी है उस टाइम की। अच्छा। यारदास थे। तो ये जो चंडीगढ़ में आपने रामलीला शुरू की ना, शुरू में आपने सीता स्वयंवर के सीन में आपने राजा का रोल किया, उसके बाद यहाँ पे कौन सा रोल किया जो आपके फेवरेट रोल है वो बताइए आप? अब तो मैं यहाँ से देखो परशुराम का मैंने किया है। परशुराम का रोल किया आपने? हाँ। तो ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम जी को, जी, तो वो भी एक परशुराम का डायलॉग सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाओ तो। ओ राजा के छोकरे, थाम थाम तू अपनी जुबा, वरना खून बहा दूंगा।
एक ही परसे से तुझको यम के द्वार पहुंचा दूंगा। क्या बात है, बोल जा। आपने परशुराम का रोल, फिर परशुराम के बाद कौन सा रोल किया? फिर तो मैं मेन दशरथ के में आ गया था जी। अच्छा, कुंभकर्ण और दशरथ। तो दशरथ का रोल जो आपने किया वो कितने साल किया आपने? काफी साल किया जी, 8-9 साल किया दशरथ। चलो, हमारे जो दर्शक कार्यक्रम में भी आता था। अच्छा। सांतुनु का भी किया। तो जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखे वो दशरथ का ये दशरथ का डायलॉग सुनना चाहेंगे। सुमंत, अकेले आए हो, सीता को भी ला सके? क्या बात है, हमारी इतनी सी बात नहीं रख सके, मत कहो हमें महाराज। अरे सुमंत, अगर अयोध्या पर किसी का राजपथ होता तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? बिना गुरुजनों से विमर्श किए हुए क्या बात, एक नीच नारी के कहने पर हमने अपने कुल का सर नाश कर डाला। क्या बात, बहुत ही। अच्छा, आपने फिर ये रोल किया दशरथ का। हाँ जी। और आप कुंभकर्ण का रोल बड़ा मशहूर आपका सुनने में आता है चंडीगढ़ में। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम भी चंडीगढ़ के वासी हैं। अरे आप तो एक पहचान की जरूरत नहीं है, तो आप क्या अगर कोई पहचान कराए तो सूरज को दीवा दिखाने के लायक चंडीगढ़। क्या बात है, पूरे बहुत दूर दूर तक आपको जानते हैं। क्या बात है, आपकी कलम की ताकत और क्या बात है, आपका तो रोल मैं भी खुद आपका कायल हूँ रावण के रोल को देख के। क्या बात है। अच्छा, एक ना कुंभकर्ण का डायलॉग सुनाइए आप जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम। भ्राता श्री, शायद लगता है तुमने कुंभकर्ण की ताकत को पहचाना नहीं। मुझे तुम्हारी किसी सेना की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्वत कुंभकर्ण का रास्ता नहीं रोक सकता। क्या बात है? मैं लंका की आन और तुम्हारी शान के लिए युद्ध भूमि में कल सूर्य अस्त होने से पहले उन बनवासी छोकरों के सरों को काट कर ठोकरे मारता हुआ लंका ले आऊंगा। क्या बात। प्रदीप जी, एक चीज बताइए कि आप इतने सालों से राम लगाते आ रहे हैं और अच्छे अच्छे किरदार आपने किए, और अब कौन सा किरदार रहेगा जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? मैं तो रावण का भी किया जी। क्या बात है। एक साल एक साल का क्या कारण है? एक साल का कारण बस कुछ मैनेजमेंट का हो गया था, शायद लोगों ने देख के ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था, भाई वाह आप तो वाकई रावण ही हो। अच्छा। वो अगले साल फिर नजर लग गई। रावण महाराज को भी नजर लग गई है क्या? तो एक रावण का जो आपने के वश में तो सब है। जो आपने रावण का एक साल रोल किया, ठीक है, लोग भी सुनना चाहेंगे कि रावण के डायलॉग क्या आपने वहां पे बोले। ये डायलॉग उस टाइम का है भाई साहब जब अंगद संवाद होता है, रावण संवाद। तुझको ये मालूम नहीं मैं आफत पर काला हूं, जिससे दिग्पाल टहलते हैं वो मस्त और मत वाला हूं। क्या बात, मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, वर्ण इंद्र कुबेर इन बाणों से थर्राया है, सूरज भी मेरी भक्ति से पूरब से पश्चिम जाता है, इंद्रदेव भी मेरी गर्मी से सर्दाता और गर्माता है। क्या बात, मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा संसार में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। क्या बात, बहुत कर दिया आपने। अच्छा, लेकिन रोल आपने एक साल ही किया? बस कोई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सी हो गई थी। अच्छा, ऐसे ही है, चलता रहता है। हम तो ऑलराउंडर है, हमने तो एक कहा भाई, हम तो भगवान राम के चरणों में है, जो ना कोई कर सकता हो वो हमें बताओ। अच्छा, आप रामलला में इतने किरदार किए, आपने सीता जी का भी किरदार। हाँ जी, हाँ, सीता का भी किया। कोई गाना भी आपको याद है, कोई गाना आप गाए? हाँ, हमारे यहाँ उस टाइम सीता का, राम और सीता का गाना चलता था। जब राम जी वन को जाते हैं, ठीक है, तब सीता जी और राम दोनों होते हैं, तो मैं वो दो लाइन जरूर सुनूं। बिल्कुल। सीता जी कह रही है राम, बताओ प्रभु तुम किधर जा रहे हो, मुझे ले चलो संग जिधर जा रहे हो, बताओ प्रभु। फिर राम जी गाते हैं, सुनो ए प्रिय मैं
जिधर जा रहा हूँ सुनो ए प्रिय, मैं जिधर जा रहा हूँ पिता के वचन से मैं बन जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, पहुंचे। सुनो ए प्रिय, क्या बात है। तो राम जी बताते हैं समय, कठिन बन की भूमि कठिन बन करेना, क्या बात है। करो जिद नसीते प्रिय मानो कहना, क्या बात। तुम्हारे ये काबिल, तुम्हारे ये काबिल नहीं कष्ट से है ना, क्या बात है। तो फिर सीता जी कहती हैं, क्या बात है। न परिवार है बन के न सिंहो खडल, बिल्कुल। न परिवार है बन के न सिंहो खडल है, सिर्फ आपके फैसले पे नजर है। बला से अगर, बला से अगर रास्ता फुरखतर है, बताओ प्रभु तुम, क्या बात है। ये तो उस टाइम अच्छा प्रदीप जी, जैसे रामलला तो आपने इतने साल कर ली, अब गाने भी गा लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे कई कलाकार आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे हमारे पास राजन शर्मा जी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में रामलला करते हैं, वहाँ पे वो राम जी का रोल करते हैं 32 सालों से। उन्होंने भी यहाँ गाने सुनाए कि मैं अपनी स्टेज पे राम जी के किरदार में गाने भी सुनाता हूँ। तो जय चौहान जी, श्री रामलला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड से, जी जी, वो भी वहाँ पे स्टेज पे गाने गाते हैं। जानते हो, जो मैं उनको जानते हैं, अच्छा जानते हैं, चलो। तो उन्होंने भी यहाँ आके गाने सुनाए कि मैं स्टेज पे भी गाने लाइव गाता हूँ, जब लक्ष्मण का रोल करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। पवन शर्मा जी पंचकुला से है, आदर्श रामलला कमेटी से, उन्होंने भी यहाँ पे आके गाने सुनाए। तो लोग बड़े खुश होते हैं कि जो किरदार इंसान कर रहा है वहाँ पे, जैसे कोई राम जी का कर रहा है, कोई लक्ष्मण जी का कर रहा है, जैसे आपने सीता जी का सुनाया, तो उनका यही कहना था कि जन के अगर कलाकार परफॉर्मेंस तो करता ही है, अगर गाना भी साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज हम आपके प्रोग्राम को बहुत ही शुभ मानेंगे कि आपने भी आज सीता माता जी का गाना सुनाया, जब आपने सीता जी का रोल किया वहाँ पे। एक गाना मैं विश्वामित्र का रोल करता था, अच्छा, तभी मैं गाता क्या था। विश्वामित्र के रोल में बहुत कम गाना नहीं है ही नहीं वैसे, शायद मैं समझता हूँ भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से गाते, ठीक है। तो आप वो भी सुना दीजिए फिर। जब धनुष टूटने से पहले जनक महाराज लक्ष्मण बोलते हैं राजाओं के, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल। तब वो विश्वामित्र जी उठ के उसको कहते हैं, अच्छा, बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर इतनी तेजी में आना मुनासिब नहीं, क्या बात। बेटा लक्ष्मण तुम्हें राजा जनक बड़े हैं आदर उचित है इनका कायर उन्हें कहा है जिनसे चाप छूटा, क्या बात। बेटा लक्ष्मण तुम्हें, ये बहुत लंबा चल, आपने ये जो प्रदीप जी ने गाना सुनाया ये एक्चुअली सीता स्वयंवर में है। हाँ जी, हाँ जी। जब जनक महाराज बोलते हैं कि इतने इतने राजा महाराजा हैं लेकिन किसी ने धनुष नहीं तोड़ा, तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है कि उनमें हम भी बैठे हुए हैं, तो लेकिन हम तो निमंत्रित नहीं थे, तो हम तो ये सीता स्वयंवर को देखने आए थे, इसलिए लक्ष्मण जी को गुस्सा आया जनक पे, जनक पे गुस्सा आया। और विश्वामित्र जी ने उनको समझाया, विश्वामित्र जी आप बने हुए थे। अच्छा प्रदीप जी, एक और चीज बताइए, रामलला से हटके आपने क्या किया? रामलीला सेट के लाइट एंड साउंड, रामलीला आपको पता है यहाँ पे बहुत काफी पॉपुलर रही है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत रोल किए, ठीक है। उसमें दशरथ का भी किया, केवट का भी किया, अच्छा, अपनी रामलीला में भी केवट का क्या किया। बात, आप एक चीज बताइए,
कभी जैसे दशरथ महाराज की 3 रानी होती है जी जी जी, कभी आपको कोई चांस नहीं मिला कि रामला से हट के बाहर घुमाने चले जाओ? हाँ जी हाँ जी, एक दफा किसी टीवी से वालों ने ये प्रोग्राम रखा था। अच्छा, इवेंट कह रहे थे, वो कोई इवेंट है, हम झील पे गए थे, वहाँ गोलगप्पे की जो दुकान है वहाँ पे उनको तीनों रानियों को वेशभूषा में पूरी तरीके से ले जाके गोलगप्पे खिलाए थे। वो काफी टीवी पे आता रहा है प्रोग्राम। यानी कि आप दशरथ बने? हाँ जी, मैं दशरथ बना रहा था। ये दशरथ महाराज वो है जो रानियां लेके बाहर भी चल जाएंगे, तो इन्होंने जाके सुगना लेक में रानियों के साथ गोलगप्पे खाए। जी हाँ जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वो इवेंट किया था उन्होंने, एक दफे हेलमेट के लिए इवेंट किया था। अच्छा, तब मैं रावण बना हुआ था। क्या बात भी, ताकि हेलमेट पहनो, सिर बच जाएगा, सिर तो अपना है। ठीक ठीक है जी, ठीक, काफी करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी, आपने और कौन सा रोल किया? मैं श्रवणा का भी किया था जी, एक बार। श्रवण का? क्या बात है, और उसमें भी गाना गाया था, बहुत पब्लिक ने बहुत पसंद किया था। कौन सा गाना? वो गाना उस टाइम था जब अंधे माता पिता श्रवण को कहते हैं भी जल लिया, लेकिन परमात्मा की करनी का श्रवण को पता था भी होने वाला क्या है। क्या बात है। तो उसको पहले से ही कुछ आभास हो रहा था, तो वो जल लेने जाते हैं, तो तब गाना गाते जाते। कौन सा गाना है? लेने को जल चला हूं मैं, लेकिन ये मन अधीर है। क्या बात है, क्या बात है। पांव लड़ खड़ा रहे, कंपित हुआ शरीर है। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना था जी, उस टाइम बहुत चलता था। अच्छा जी, कुछ और भी आपके दिमाग में हो रामलीला के रिलेटेड? रामलीला का तो जी, मैं तो ये कहूंगा कि भी आपने जो ये प्रोग्राम रखा है ना, ये शायद ऐसा हैगा कि भी हमारी संस्कृति सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। और ऐसे समय में जबकि जो रामलीला करने वाले हैं या देखने वाले हैं, बिल्कुल करने वालों से ज्यादा है देखने वालों का, क्योंकि मैं 28 में रहता हूँ मेरे पास, और सबको पता है भी मैं रामलीला के साथ बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में भी रहा, अभी भी हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। धार्मिक प्रोग्राम बहुत, जागरण वगैरह, विशाल भगवती जागरण भी कराते हैं वहाँ पे। ठीक ठीक है जी। तो वो पूछते हैं रामलीला होएगी? अच्छा, रामलीला कर रहे हो, कर लो। कुछ कोई विचार ये आते हैं कि भी आएंगे तो हमारे ही परिवार, जो ज्यादातर कलाकार वहाँ पे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके परिवार तो 100% आते हैं रामलीला देखने के लिए। ठीक है ना जी। तो उनको, उनके साथ भी ये दिखता है भाई, ना इंसाफी सी ना हो जाए, अगर घर का एक मेंबर बीमार हो गया बाई चांस, तो वो सारा ही परिवार फिर डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल। तो ना वो रामलीला कर सकेगा, ना वो उनको लुक आफ्टर कर सकेगा। तो देखते हैं अब क्या है। वैसे तो मैं अपनी पर्सनली उससे, मैंने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखी है। क्या बात है। मगर भी अगर आप रामलीला की परमिशन नहीं देना चाहते हिंदुस्तान के अंदर, तो आप जो रामानंद सागर जी की रामायण की सीडी आया करती थी, अच्छा, रात को रामलीला जब शुरू होनी है उस दिन से लेके और आखिरी दिन तक, कम से कम 2.5 घंटे रात को 9 बजे से लोगों को बिजी 11:30 बजे तक, और नेशनल अपने टीवी पे दिखाएं। क्या बात। तो आपका बड़ा आभार होगा, मैंने लेटर लिखी है, देखो अब क्या होता है इसका। बहुत अच्छी बात। मेरी अपनी इच्छा थी, अगर रामलीला की परमिशन देते हैं और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। आप बैठे हैं, आप जैसे विद्वान यहाँ पे, कोशिश करेंगे भी। ठीक है। ये थे हमारे साथ प्रदीप कुमार जी, जो गढ़वाल रामलीला मंडल बिजली बोर्ड सेटेटाई चंडीगढ़ में रामलीला करते हैं। मैं ITV ट्राई सिटी और अपने भाई सुनील शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ भी, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम लाए हैं कि जो चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत देख रहे हैं, मेरे रिलेटिव हैं जो व्हाट्सएप पे मेरे को फोन कर रहे थे भी, यूट्यूब पे आ रहा है प्रोग्राम, तो कौन है आप तो जानते होंगे क्योंकि आप रामलीला से जुड़े हुए। तो मैंने बताया भी, हाँ मेरे छोटे भाई हैं सुनील शर्मा जी, और चंडीगढ़ के अंदर उनका बहुत नाम है, उन्हें कोई मोहताज नहीं है वो किसी की बताने के भी कौन है। मैं तो ये समझता हूँ भी आपका ये प्रोग्राम परमात्मा रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, और आपको ऊपर इतनी कृपा बनाए रखे कि आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही ना पड़े। क्या बात। जय श्री राम। जय श्री राम।